नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,765 नए मामले आए सामने, 477 मरीजों की हुई मौत। ओमिक्रॉन से प्रभावित दक्षिण अफ्रीकी देशों के लिए WHO ने जारी किया इमरजेंसी फंड। महाराष्ट्र में हाई रिस्क देशों से लौटे 2,821 यात्रियों में से 2 कोविड पॉजिटिव। IMF प्रमुख की चेतावनी, कहा ओमिक्रॉन से दुनिया की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। डॉक्टर बनकर टेस्ट रिपोर्ट दे रहा था टेक्नीशियन, क्राइम ब्रांच ने की जांच, फर्जी साइंस से कईयों को ठगा। एशिया में पहली बार स्ट्रक्चर का निर्माण, मेट्रो के गड्डी गोदाम के लिए बना गडर। विधायक कृष्णा खोपड़े ने की मांग, कहा नागपुर को बनाए रेलवे जोन। कुई से चारों आरोपी अरेस्ट, देसी ठेके से लूटी 21,000 की शराब। आर्थिक संकट में महावितरण, लगभग 71 करोड़ का बकाया। टू व्हीलर फाइनेंस के नाम पर 69,000 की धोखाधड़ी, एजेंट ने बनाए फर्जी कागजात। BCN न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।